बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक आज होनी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बैठक में एनडीए के 38 दल के नेता जो हैं वो शामिल होंगे। एनडीए से अलग हो चुके कई नेताओं की वापसी की भी उम्मीद है। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी को मिलेगा बड़ा बूस्ट और इस बड़े बूस्ट को लेने की कोशिश जो है वो बीजेपी हर तरफ से कर रही है और आज ये बैठक होनी है। एनडीए का शक्ति प्रदर्शन के रूप में ये देखा जा रहा है। कई बड़े नेता जो हैं इस बैठक में नजर आएंगे। एनडीए से अलग हो चुके कई नेताओं की वापसी की भी उम्मीद है और ये आशंकाएं जताई जा रही हैं कि हो सकता है चिराग पासवान भी इस बैठक में नजर आए। दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। बैठक में एनडीए के 38 दल के नेता जो है वो शामिल होंगे क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा बूस्ट लेने की कोशिश जो है वो बीजेपी की तरफ से की जाएगी। देखने वाली बात यह होगी कि एनडीए के 38 दल के नेता जो हैं वो शामिल होंगे और इसके साथ ही कौन कौन से बड़े नेता इस बैठक में शामिल होते हैं और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जिनका पहले भाजपा से जो नाता था, एनडीए से जो नाता था वो टूट चुका है, वो भी नेता जो है वो इस बैठक में नजर आएंगे। और एनडीए की बैठक में शामिल होंगे ओम प्रकाश राजभर। हाल ही में एनडीए में दोबारा शामिल हुए हैं ओम प्रकाश राजभर। राजभर ने लोकसभा की 3 सीटों की मांग की है। बिहार के मधेपुरा लोकसभा सीट राजभर को चाहिए। यूपी में घोसी गाजीपुर सीट की राजभर ने मांग की है। दोनों बेटों को भी सांसद बनाना चाहते हैं ओम प्रकाश राजभर। आज की बैठक में मांगों को लेकर फैसला जो है वो किया जाएगा। तो ओम प्रकाश राजभर जिन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया था और कुछ ही दिन पहले वो वापस एनडीए में शामिल हुए हैं, घर वापसी हुई है। हाल ही में एनडीए में दोबारा शामिल हुए ओम प्रकाश राजभर। राजभर ने लोकसभा की 3 सीटों की मांग की है। बिहार की मधेपुरा, यूपी में घोसी और गाजीपुर सीट राजभर की तरफ से मांगी गई है। और वहीं आपको बता दें, दूसरी तरफ बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक का ये दूसरा दिन है। विपक्ष की बैठक में 26 दल शामिल। शरद पवार भी आज की बैठक में शामिल होंगे। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर आज हो सकती है चर्चा, ये कहा जा रहा है क्योंकि पहली बैठक जो है वो पटना में की गई थी जिसमें तमाम विपक्षी दल के नेता जो हैं वो शामिल हुए थे। विपक्षी दलों के बड़े चेहरे जो हैं वो उस बैठक में नजर आए थे और आज दूसरे दिन की ये बैठक है बेंगलुरु में जिसमें सीट शेयरिंग के मुद्दे पर चर्चा होनी है। और सीट शेयरिंग के मुद्दे पर ये समझना जरूरी है कि जो 400 से ज्यादा सीटों पर एक साझा उम्मीदवार उतारने पर चर्चा की जाएगी। साझा उम्मीदवार जो है वो बीजेपी के खिलाफ किसको उतारा जाए, कौन सी पार्टी किसके क्षेत्र में मजबूत है और साथ ही जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी क्या स्थिति है, क्या उन्हें मौका दिया जाएगा। और इन सब के बीच समझना ये जरूरी है, कर्नाटक में बैठक हो रही है और क्या कांग्रेस जो है वो कॉम्प्रोमाइज सीट शेयरिंग के मुद्दे की अगर हम बात करें तो कॉम्प्रोमाइज मूड में नजर आएगी भी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और आखिरकार सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ स्थिति बनती है ये देखने वाली बात होगी। वहीं बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक के बीच पोस्टर वॉर जो है वो शुरू हो गया है। बेंगलुरु में नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर लगे हैं। पोस्टर पर लिखा है अस्थिर पीएम पद का दावेदार। ये पोस्टर जो है वो बेंगलुरु में लगे हुए हैं। पोस्टर वॉर जो है वो 2024 से पहले नजर आ रहा है। इसके साथ ही इस पोस्टर में लिखा है अस्थिर पीएम पद। बेंगलुरु में नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर लिखे हैं। पोस्टर में लिखा है अस्थिर पीएम पद का दावेदार, जिसमें फोटो जो है वो नीतीश कुमार का लगा हुआ है। और ये देखिए पोस्टर जो है वो लगे हुए हैं, आप पोस्टर में देख सकते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है द अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टर कंटेंडर और साथ ही फोटो जो है वो नीतीश कुमार की लगी हुई है। देखिए कर्नाटक अपने आप में कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण था और किस तरह से अभी हाल ही की अगर हम बात करें तो कर्नाटक में जीत हासिल की है कांग्रेस ने
और इसके साथ ही कांग्रेस जो बैठक है विपक्षी दलों की, कांग्रेस इस बैठक की मेजबानी कर रही है। आज दूसरा दिन है बैठक का जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होनी है और उससे ठीक पहले ये पोस्टर जो है वो लगे हुए हैं। एक तरह से कहा जाए नीतीश कुमार पर निशाना साधा जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि अब की बार केंद्र में किसकी सरकार, क्या मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे लगातार तीसरी बार या विपक्ष से इस बार हो पाएगा चमत्कार। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, साल भर से भी कम का वक्त जो है वो बचा है और सभी पार्टियां अपनी अपनी फील्डिंग सेट करने में लगी हुई है। पटना के बाद बेंगलुरु में विपक्ष की दूसरी बैठक के लिए विपक्षी नेताओं का जमावड़ा लग चुका है। तो वहीं आज एनडीए की भी दिल्ली में बैठक होगी, मतलब साफ है दोनों गुट शक्ति प्रदर्शन करके 24 के लिए ताकत दिखाएंगे। जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियों को दूसरी बैठक से पहले कई झटके लग चुके हैं तो एनडीए का कुनबा बढ़ा है। 24 की रेस में किसकी क्या रणनीति होगी, किसका क्या एजेंडा होगा, किसकी क्या दिक्कतें हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले विपक्षी बैठक को लेकर किस तरह से बयानबाजी हो रही है ये सुनना जरूरी है। सुनिए, मेरे पास जो भी लोग हैं वो लोग हमेशा हमारे साथ हैं, हम हमेशा पार्लियामेंट के वक्त भी मिलके काम करते हैं, बाहर भी मिलके काम करते हैं और अब बेंगलुरु में भी सभी पार्टियां वहां पर आई है। हम जो कर रहे हैं वो देख के वो घबरा गए। कॉलिंग एज महागठबंधन, एक्चुअली देर इज नो बंधन इन दिस महागठबंधन एंड देर इज नो महा ऑल्सो। देर सोल एम इज टू ब्रिंग डाउन मोदी विच इज जस्ट इम्पॉसिबल। जो एक कुनबा है, जो ये एक लाइक माइंडेड पार्टीज का एक कुनबा बना है, आज ये देखकर भाजपा को नींद नहीं आ रही है, भाजपा डरी हुई है। और कल की जो गतिविधियां हैं वो ये साफ कर रही हैं कि मोदी जी 2024 में वापस नहीं आ रहे हैं। स्वाभाविक है, लालू जी के बिना नीतीश जी का क्या रोल है। नीतीश जी बिहार की राजनीति के लिए फैक्टर नहीं है, एकदम स्पष्ट जानिए। लालू जी का है, लालू जी से लड़ लेंगे, ठीक ठाक से लड़ेंगे, आराम से, कहीं कोई इशू नहीं है। उसमें जिस तरह से मीटिंग करते हैं और मीटिंग के बाद बाहर जाकर बोलते हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो इससे तो सीधा सीधा है कि सब लोगों के मन में जो भी विपक्ष के लोग हैं सिर्फ सत्ता की कुर्सी दिख रही है, मोदी हटाओ, इसके अलावा कोई उनका एजेंडा तो है नहीं। 100% 100% 99 भी नहीं। आपको लगता है आज के बाद से राजनीतिक की दिशा बदल जाएगी पूरी और 24 के लिए आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा? 24 की दिशा बदलेगी। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 18 जुलाई को दिल्ली के अशोका होटल यानी कि आज एनडीए की मीटिंग बुलाई है। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। नड्डा ने दावा किया है कि एनडीए की मीटिंग में 38 पार्टियों के नेता जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। उन्होंने विपक्ष के गठबंधन को भानुमति का कुनबा करार दिया है। सुनिए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की बैठक शाम को आहूत की गई है और कुल मिलाकर के अभी तक 38 हमारे पार्टनर्स, जो हमारे एनडीए के पार्टनर्स हैं, उनकी कंफर्मेशन आ चुकी है। तो 38 पार्टनर्स कल इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे जिनकी कंफर्मेशन आई है। पिछले 9 सालों में एनडीए का जो एक व्याप है वो बढ़ा है, स्कोप भी बढ़ा है और कुल मिलाकर के जो डेवलपमेंट का एजेंडा है उस डेवलपमेंट के एजेंडे को परस्यू करने के लिए जो इंडियन पॉलिटी में, भारत के राजनीतिक परिदृश्य में जो लोगों की चाहत बढ़ी है और हर देश के कोने कोने में पॉलिटिकल पार्टीज डेवलपमेंट के साथ अपने आप को समावेश कर रही हैं, उसके कारण से स्कोप ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हैज इंक्रीज्ड। यहाँ तक यूपीए का सवाल है और ये जो अपोजिशन के अलायंस है ये भानुमति का कुनबा है और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस तरीके का ये अलायंस है। न तो इनके पास नेता है, न ही नीयत है, न ही नीति है और न ही फैसला लेने की ताकत है। यह फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छा है लेकिन सच्चाई ये है कि न तो इनके पास कोई फैसला लेने की ताकत है और न ही वो नीयत है, न ही नेता है।
स्वार्थ की राजनीति पर आधारित ये एकता की जो बुनियाद है वो बड़ी खोखली है, और इसीलिए यह कोई डिलीवर करने के लिए नहीं है। यह 10 साल के यूपीए के सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों का टोला है। जेपी नड्डा को आपने सुना, उनकी तरफ से इस पूरी बैठक को लेकर विपक्ष जो बैठक कर रहा है उसको लेकर निशाना साधा गया, कहा गया ये सिर्फ और सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी का एक मौका है। वहीं कल की रात सोनिया गांधी ने विपक्षी पार्टियों को डिनर दिया है। डिनर के बहाने सोनिया गांधी एक तीर से कई निशाना साधने में लगी हुई है। हालांकि इस डिनर के क्या मायने हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस डिनर के जरिए एक तीर से कई निशाना साधने में सोनिया गांधी जो है वो लगी हुई है। वहीं विपक्ष एकता और बेंगलुरु में बैठक को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का क्या कहना है सुनिए। हमारे साथ एक पवन खेड़ा एएससीसी इंचार्ज मीडिया। सर, अपोजिशन का मीटिंग है कल बेंगलुरु में, क्या एजेंडा है सर इस टाइम? एजेंडा पर एक रचनात्मक कार्यक्रम पर चर्चा होने के लिए ही ये दूसरा राउंड हमारी बैठक का हो रहा है। पहला राउंड पटना में हुआ था, उसमें भी एक खाका बनाया था जिसपे चर्चा हुई। अब विस्तृत चर्चा और होगी ताकि कॉन्टोर दिया जा सके। तो लगातार मीटिंग हो रही है, दूसरा मीटिंग है। ऑपोजिशन का ये कहना है कि ये एक कंसेंसस ट्राई कर रहे रीच करने के लिए, वो नहीं हो पा रहा है। इस अलायंस का नाम नहीं है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं, इसके ऊपर क्या रिएक्शन? तो एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा क्या? नरेंद्र मोदी जी को 9 साल हो गए, अभी तक तो एक भी काम नहीं कर पाए, और हमसे उम्मीद करते हैं सब एक ही दिन में हो जाए। आप इंतजार कीजिए, नाम भी होगा और सही काम भी होगा और रचनात्मक कार्यक्रम भी। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो बार बार यहाँ पे टॉपिक सामने है? महंगाई सबके सामने है, बेरोजगारी सबसे के सामने है, एजेंसी का दुरुपयोग सबके सामने है, जिस तरह से जीएसटी की तबाही की है जीएसटी के माध्यम से, वो सबके सामने। अब जीएसटी को पीएमएलए के अंडर ला रहे हैं, ऐसे अनेक मुद्दे हैं। चीन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मणिपुर जल रहा है, ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कल चर्चा हो। लास्ट क्वेश्चन बिफोर लेटिंग ऑफ, अलायंस का सीजन लगता है, एनडीए भी मीटिंग कर रहा है कल वहाँ पे, और जेडीएस आपको छोड़ के एनडीए में जाने की खबर आ रही है, क्या कहना चाहिए? अब तक तो मोदी जी अकेले चलना चाहते थे, अब तक तो मोदी जी जो रीजनल पार्टीज हैं उन पर हमला बोलते थे कि ये परिवार वाली पार्टियां हैं, अब क्या हुआ? अब बताएं ना पूरे देश को कि एक भी परिवार वाली पार्टी के साथ वो समझौता नहीं करेंगे, लेकिन बताएं, एक बार घोषणा करें, हिम्मत दिखाएं। पटना के बाद नरेंद्र मोदी जी घबरा गए हैं, बौखला गए। थैंक यू सर। बेंगलुरु में विपक्ष की एकजुटता में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने क्या कहा है ये भी सुनिए। एनडीए का ख्याल एनडीए में नई जान फूंकने की अभी प्रयास हो रही है, अब तक एनडीए का जिक्र नहीं हुआ करता था, अचानक कुछ चार पसे हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि एनडीए की बैठक कल बुलाई गई है। तो ये अचानक एनडीए जो एक भूत बन गया था उसमें एक नई जान फूंकने की कोशिश की जा रही है, और ये पटना सम्मेलन का एक नतीजा है। जो पटना में शुरुआत की गई थी 23 जून को, 18 जुलाई को बेंगलुरु में इसको आगे ले जाएगा, और आप देखते रहेंगे कि एक रचनात्मक कार्यक्रम देश के सामने इन 26 पार्टियों के द्वारा भी तय किया जाएगा। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, हालांकि जयंत चौधरी भी विपक्ष की बैठक में शामिल हो रही हैं। Bothered about the NDA meeting. This is very important meeting. It will make a change in Indian politics. So the agenda will be sorted out in the afternoon. And sir, how helpful this meeting is going to be for the 2024 Lok Sabha elections? I do hope that Modi government will be last. So like, there's going to be a big plan in the meeting, like how to defeat BJP in the Lok Sabha. I can't tell what I am going to do, what others are going to do. Thank you, sir. This
विपक्ष की बैठक को लेकर बात करें, हालांकि जयंत चौधरी भी इस विपक्ष की बैठक में शामिल हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अपने आप में बेहद अहम, क्योंकि आज बीजेपी की तरफ से भी बैठक जो है वो बुलाई गई है। एनडीए की अगर हम बैठक की बात करें, लगभग 48 दल जो हैं वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों की भी बैठक जो है वो बेंगलुरु में हो रही है और आज दूसरा दिन है।